Welcome students in today's tele class. Today we will learn how to calculate the phenotypic and genotypic ratios both in monohybrid and dihybrid crosses. Quickly I will take a monohybrid cross. Monohybrid cross mein agar aapko beta yaad hoga usme jo hamare paas parent hote hain wo एक ही ट्रेट के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम टॉल या डॉफ प्योर ले रहे हैं पेरेंट, इनके जो गैमीट फॉर्मेशन होती है क्विकली मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपने ये मेरे साथ किया हुआ है. ये हमारे पास गैमीट्स बनेंगे. जब हम इनका क्रॉस देखेंगे F1 जब हम इनका देखेंगे, मेरे पास एक मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल के गैमीट्स हैं, तो ये मेल के गैमीट्स मैं एक साइड लिखूंगी, फीमेल के गैमीट्स हम दूसरे साइड में जब लिखेंगे तो जो मेरे पास जेनेटिक मेकअप आएगा वो हेटेरोजाइगस स्टॉल आएगा इन प्रेजेंट इन ऑल द प्रोजेनीज ऑफ F1. बट ऑन सेल्फिंग, जब हम इनको सेल्फिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा F2 में जब मैं इनको सेल्फिंग करूँगी, यानी कि मेरे पास TT हेटेरोजाइगस स्टॉल, दोनों ही मेल भी हैं और फीमेल भी हेटेरोजाइगस स्टॉल है, जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो जो गैमीट फॉर्मेशन होगी बेटा वो कैसे होगी? गैमीट फॉर्मेशन वो टी और टी फ्रॉम वन पेरेंट स्मॉल टी, दूसरे पेरेंट से भी जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी. अगर हम अब इनको सेल्फिंग करते हैं यानी कि इनका क्रॉस करते हैं और पुनेट डायग्राम से जो है ये टी और ये टी एक पेरेंट के गैमीट हैं, ये टी और ये टी जो है दूसरे पेरेंट के गैमीट हैं. क्विकली अगर हम इसका पुनेट स्क्वायर डायग्राम बनाते हैं तो मेरे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेनी होती है, तो एक तो मेरे पास होमोजाइगस स्टॉल, हेटेरोजाइगस स्टॉल के मेरे पास दो और ड्वार्फ जो है होमोजाइगस एक. तो अगर मैं फीनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखूं तो क्विकली मैं आपको बेटा बता दूं, मेरे पास फीनोटाइपिक रेशियो तो तीन टॉल हैं, दैट इज 3:2, एक ड्वार्फ है 1. अगर हम F1 में फीनोटाइपिक रेशियो देखें तो सारे के सारे जो हैं टॉल हैं, दैट मीन्स 4:0. अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर देखें, सारे के सारे टॉल हैं बट दे आर हेटेरोजाइगस टॉल, 2:0, कोई भी ड्वार्फ नहीं है. ये F1 में. F2 में क्या होगा बेटा? F2 की जो फिनोटाइपिक रेशियो है 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है, और जीनोटाइपिक रेशियो जो है बेटा 1 टॉल है होमोजाइगस, 2 जो है हेटेरोजाइगस टॉल है और 1 जो है वो होमोजाइगस ड्वार्फ है. अब फॉर्मूला है हमारे पास कि हम ये कैसे करें. अगर हमको फीनोटाइपिक फॉर्मूला, आप ये हमेशा याद रखेंगे फॉर्मूलेज, फॉर फीनोटाइपिक रेशियो फॉर्मूला इज 3:1 रेज टू द पावर ऑफ n, वेयर n डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द क्रॉस वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन. फॉर एग्जांपल हियर आई एम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सो n द वैल्यू ऑफ n हियर विल बी 1. If I am taking in consideration the dihybrid cross, that means the number of traits are 2, so value of n will be 2. If I am taking trihybrid cross, that means the number of traits are 3, then the value of n will be 3. So yahan par genotypic ratio jo hai uska formula hai 1:2:1 to the power of n. Again n is the number of traits that are taken into the consideration. So if I apply the formula for monohybrid cross, phenotypic ratio is going to be 3:1 to the power of 1, because only one trait for the monohybrid cross is taken into consideration, so phenotypic ratio is going to be 3:1. Similarly, genotypic ratio, apply the formula 1:2:1 whole to the power of 1, because it's for the monohybrid cross, so genotypic ratio after calculation it is going to be 1:2:1, and that is what we have calculated here, 3:1 and 1:2:1. So if you are
आस्क्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वन मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, बताइए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप क्या होगा और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यू हैव टू पुट द वैल्यूज और आपको ये क्रॉस बताना है। इतना सब करने की तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन यू विल शो होल दिस डायग्राम। नाउ क्विकली अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिमिलरली जैसे हमने मोनोहाइब्रिड के लिए किया, अब हम डाई हाइब्रिड के लिए भी जल्दी से ऐसे ही देखेंगे। जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, जब हम पेरेंट्स की बात करेंगे, पेरेंट्स हमारे पास मेल और फीमेल होना चाहिए, होमोजाइगस कैरेक्टर लेंगे, दो कैरेक्टर्स लेंगे, यहाँ पर हम होमोजाइगस दो ट्रेड्स लेंगे मगर होमोजाइगस डॉफ लेंगे। इनका जब हम क्रॉस करेंगे और जो हमारे पास गैमीट्स पहले बनेंगे यहाँ पर, दैट विल बी टी वाई टी वाई टी वाई एंड टी वाई, जो यहाँ के गैमीट्स होंगे टी वाई टी वाई टी वाई और टी वाई, जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में जो मेल गैमीट्स और बेटा फीमेल गैमीट्स और जो सारी प्रोजेनी होगी उनका सेम क्या होगा, जीनोटाइप होगा। जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड में भी देखा कि F1 में सारी प्रोजेनी जो है दे शेयर द सेम टाइप ऑफ जीनोटाइप, दैट इज़ टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट तक जो है सेम सारे के सारे जो हैं दे विल शो द सेम टाइप ऑफ जीनोटाइपिक कैरेक्टर। और यहाँ पर अगर हम F1 का फिनोटाइपिक रेशियो देखें और जीनोटाइपिक रेशियो देखें, सारे टॉल और येलो हैं, दैट मीन 16 के 16 टॉल हैं और येलो हैं और कोई भी डॉर्फ या ग्रीन नहीं है, ये फिनोटाइपिक रेशियो। सिमिलरली यहाँ पर सारे के सारे टॉल और येलो और लेकिन हेटीरोजाइगस टॉल एंड हेटीरोजाइगस येलो कैरेक्टर्स हैं और बाकी और कोई भी इसमें जीनोटाइपिक मेकअप दिखता नहीं है। अब जो हमारे पास F2 का जो पेरेंट होंगे, पेरेंट्स तो यही होंगे टी टी वाई वाई का जेनेटिक मेकअप होगा, मान लीजिए ये मेल है एक और फीमेल जो है वो भी टी टी वाई और वाई का कैरेक्टर होगा। और जो हमारी F2 की प्रोज, पहले हम गैमीट्स देखेंगे, गैमीट्स क्या बनेंगे, गैमीट्स इसके टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई, यहाँ पर टी और कैपिटल वाई सेम जो हमें यहाँ पे आया। अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो प्रोजेनी आएगी किसकी बेटा, F2 की। देख लीजिए ये एक साइड के एक पेरेंट के गैमीट्स हैं ये, और ये मेरे पास दूसरे पेरेंट के गैमीट्स हैं, और इनको जब हम क्रॉस करेंगे हमारे पास जो जेनेटिक मेकअप आएगा बेटा वो हम जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। ये हम जेनेटिक मेकअप क्रॉस कर रहे हैं मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स को क्विकली, हेटीरोजाइगस टॉल के साथ हेटीरोजाइगस येलो, यहाँ पर दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल वाई, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ वाई और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ दोनों स्मॉल वाई, फिर कैपिटल टी
स्मॉल टी के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल टी के साथ कैपिटल वाई, दोनों दोनों स्मॉल टी के साथ कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों फिर स्मॉल वाई, स्मॉल टी और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और लास्ट में जो है सारे ड्वार्फ कैरेक्टर्स आएंगे। अब हम F2 का जो डाईहाइब्रिड में फिनोटाइपिक रेशियो है और जीनोटाइपिक रेशियो है, ये हमें कैलकुलेट करना है। फिनोटाइपिक रेशियो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला 3:1 टू द पावर ऑफ 2, ठीक है बेटा, क्योंकि दो ट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो दैट विल, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम एज 3:1 मल्टीप्लाइड बाई 3:1। पहले हम इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3s are 9 is 2 3 1s are 3, देन 1 3s are 3 एंड 1 1s are 1, सो 9 is to 3 is to 3 is to 1, दैट इज आर फिनोटाइपिक रेशियो यूजिंग द फॉर्मूला। अब जीनोटाइपिक रेशियो यूजिंग द फॉर्मूला, इट इज गोइंग टू बी 1:2, 2:1 होल टू द पावर ऑफ एन है, तो एन के पास हम 2 लिखेंगे बिकॉज वी आर टेकिंग 2 ट्रेट्स इन टू कॉन्सिडरेशन। अब 1:2:1 मल्टीप्लाई इट, इट इम्प्लाइज एज हियर इट इम्प्लाइज दिस, और इसको हम 2 बार जो है मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 से इन तीनों को, तो आई विल गेट दिस एज इट इज, देन 2 से इन तीनों को, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, देन इस 1 के साथ अगेन इन तीनों को, 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 1s are 1, दिस इज आर जीनोटाइपिक रेशियो। अब अगर हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक 1 आया, ये मान लीजिए ये मेरे पास जो है ये वो 1 है, ठीक है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, जिसका जेनेटिक मेकअप किसी के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि ये होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस येलो कैरेक्टर का है। फिर हम देखेंगे ये 1 तो आ गया, अब हमारे पास है is to 2, कोई भी 2 इंडिविजुअल जिनका सेम जेनेटिक मेकअप है, चलिए लेट अस सी कौन से ऐसे 2 इंडिविजुअल्स हैं जिनका सेम जेनेटिक मेकअप है। मेरे पास डबल टी, अगर मैं यहाँ पर देखूँ डबल टी वाई और वाई कैपिटल टी, ये मेरे पास सेम है, और कहीं पर मेरे पास कैपिटल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं है, नहीं है, तो ये मेरे पास फिर दूसरा कैरेक्टर आया, ये वाला और ये वाला, तो दैट मीन्स इन दोनों का जो है ये मेरे को ये बता रहा है 1:2। फिर 1 पहले हम इजीली, बिकॉज दिस 1 इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम विच इज़ इट्स नॉट शेयरिंग इट्स जेनेटिक मेकअप विद एनी ऑफ द इंडिविजुअल्स, तो मैंने ये 1 जो है मेरे पास ये आया, ठीक है। फिर से मेरे पास 2 जो हैं सेम जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल्स आने चाहिए, लेट अस सी कैपिटल टी स्मॉल टी और 2 कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी जो है ये, हाँ जी इसको देख लीजिए, आई विल यूज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और 2 कैपिटल वाई, ऐसा जेनेटिक मेकअप भी जो है कहीं और पर नहीं है, कहीं और पर नहीं है, तो ये 2 जो हैं मुझे ये बता रहे हैं, ओके, देन आई शुड हैव 4 ऑफ सेम, 4 इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जेनेटिक मेकअप, तो 4 इंडिविजुअल सेम जेनेटिक मेकअप के कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा, 2 मेरे पास ये, 3 और 4, ठीक है बेटा, सो
दिस फोर इज एश्योरिंग मी दैट दीज फोर इंडिविजुअल्स आर ऑफ सेम जेनेटिक मेकअप. नाउ अगेन आई शुड हैव टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जेनेटिक मेकअप. तो मेरे पास दो इंडिविजुअल्स सेम जेनेटिक मेकअप के अगर मैं ढूंढती हूँ तो आई एम गेटिंग इट हेयर. ये और ये, इनका सेम जेनेटिक मेकअप है बेटा. तो मेरा ये भी जो है क्लियर हो गया. अब मेरे पास एक जो है, एक होना चाहिए जिसका डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है. तो वो तो सिमिलर ये है, सिंपली मेरे पास ये है जिसका एक डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है जो किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहा है. फिर मेरे पास और दो आने चाहिए जिनका सेम जेनेटिक मेकअप होगा. तो और एक जो है, और एक ऐसा होना चाहिए जिसका डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है. तो अगर मैं देखती हूँ तो दिस इज़ द वन टी एंड टी, यस. तो मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास कैपिटल वाई स्मॉल टी कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है बेटा. और यहाँ पर मेरे पास जो है ये और ये टी टी स्मॉल वाई, ये मेरे पास एक डिफरेंट जेनेटिक मेकअप का कैरेक्टर आ रहा है. तो वन वन इज टू इज टू वन, फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, वन वन ज़ा वन, वन टू ज़ा टू, वन वन ज़ा वन. दिस इज़ हाउ आई हैव टू कैलकुलेट माई जेनेटिक मेकअप एंड फिनोटाइप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. तो बहुत ही ईजली हमें ये सब, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना सब टेबल पुनेट स्क्वायर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है. क्विकली जो है हम इस फॉर्मूला से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो इसी के साथ जब हमें एक और ये देखना होता है कि अगर हम, ये तो हमने दो कैरेक्टर्स का लिया, ट्रिप्लॉइड मतलब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए लें, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस में जब हम फॉर्मूला देखें, आई एम गोइंग टू रब दिस, यही फॉर्मूला को जब हम यूज़ करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसा होगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का? फिनोटाइपिक रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3:1 to the power of 3. तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, 3:1, 3:1, 3:1. तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 3:3 are 9:2, 3:1 are 3, 1:3 are 3, 1:1 are 1, then I'll multiply it with this. I will get 9:3 are 27, 3:3 are 9, 3:3 are 9, 3:1 are 3, 1:9 are 9, 1:3 are 3, 1:3 are 3, 1:1 are 1. This is phenotypic ratio for trihybrid cross. अगर अब हम इसी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जीनोटाइपिक रेशियो बेटा कैसा होगा? जीनोटाइपिक रेशियो इज गोइंग टू बी द, अप्लाई द फॉर्मूला 1:2, 2:1 होल टू द पावर ऑफ एन. इफ वी अप्लाई द वैल्यू ऑफ एन वी विल गेट लाइक दिस, एंड देन multiplying it 3 times, I will get 1:1 are 1, 1:2 are 2, then 1, then 2:1 are 2, 2:2 are 4, 2:1 are 2 again, then again 1:2 is 1.
ये दो का मल्टीप्लाई हो गया, अब ये मेरे पास ये बचा 1:2:1। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1:2:1:2:4:2:1:2:1:2. नाउ विद टू, टू वन्स आर टू, टू टूज आर फोर। और सिंपली इतना भी अगर हमें लेंथी होता है, व्हाट वी विल डू सिंपली इज, हमें पता है जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप है वो ये है, वो क्या है बेटा, 1:2:1:2, ये 4:2:1:2:1, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1:2:1 से। सिंपल, क्योंकि ये दो टाइम्स हो गया, इट विल फेच मी दिस एज द रेशियो एंड देन आई विल मल्टीप्लाई इट, सो आई विल गेट, व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दिस विद 1, आई विल गेट होल थिंग रिपीटेड। ओके, दिस इज द होल थिंग आई गॉट। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, then 2 2s are 4 again, then 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, then last में मेरे पास is 2, 1 से ये फिर से रिपीट होगा, 1:2:1:2:2:4:2:2:1:2:2:1। ये जो है मेरे पास ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो आया, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट टू टेल यू दैट हाउ यू कैन फाइंड वेरी इजीली द फीनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ, फॉर द फीनोटाइपिक रेशियो इट इज 3:1 होल टू द पावर ऑफ एन, वेयर द वैल्यू ऑफ एन इज द नंबर ऑफ ट्रेट्स that are being taken into the consideration, and similarly the genotypic ratio will be calculated with using the formula of 1:2:1 whole to the power of n. Again n will take the value of the type of cross we are taking into consideration, and I hope that it will help you to find all the ratios with very quite simplicity and without being overburdened, and you will enjoy solving the problems related to maybe the monohybrid cross, maybe the dihybrid cross, the trihybrid cross. It's very fantastic to deal with the genetics if you know the basics of the genetics. So I hope children you will now practice the crosses using different kind of alleles, as I have used here height and color of seed. Now I am sure you will use height with the shape of the pod, you will use height with color of the flower, you will use height with the position of the flower, and so on, and wish you all the best. Thank you.